नमस्कार, जुबली पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। आज हमारे साथ हैं कभी हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष हुआ करते थे सुनील सिंह। सुनील सिंह वो चेहरा है जिसने योगी आदित्यनाथ की राजनीति को पूर्वांचल में आधार दिया, लेकिन वक्त बदला और सुनील सिंह और योगी के बीच में खटास बढ़ती गई। अभी कुछ रोज पहले सुनील सिंह ने हिंदू युवा वाहिनी भारत, जो इनकी नई संस्था थी जो योगी आदित्यनाथ से अलग होने के बाद इन्होंने बनाई थी, उसका विलय समाजवादी पार्टी में किया और अब सुनील सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हम बात करेंगे सुनील सिंह से बहुत सारे मुद्दों पर। स्वागत है सुनील जी। सुनील जी, पहला सवाल ये कि अखिलेश यादव के सामने जब आपने पार्टी ज्वाइन की तो अखिलेश यादव ने भी आपको बहुत तवज्जो दी, और फिर ये सवाल आया कि जब आप राजनीति के इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो अखिलेश यादव ही क्यों? आखिर क्या वजह है समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की? देखिए, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अखिलेश यादव जी के कार्यशैली से पूरा प्रदेश भली भांति परिचित है। जो विकास का मॉडल अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत कर दिया, अब जा कर के देख सकते हैं नोएडा में, लखनऊ में, ताज एक्सप्रेसवे में, मेट्रो लाइन में, मतलब पूरे प्रदेश के कोने कोने में मात्र 5 वर्षों में अखिलेश यादव ने, हम तो कहेंगे कि प्रदेश की शोहरत बदल डाली। और रोजगार का अवसर दिया अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश का रोजगार, नौजवान अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि अखिलेश यादव, जिनकी सोच उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों की बदहाली को दुरुस्त करने के लिए, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जो उनकी सोच है, जो उनकी योजना है, जिस योजना पर ऑलरेडी अखिलेश यादव जी ने काम किया है, हमें तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था अखिलेश यादव जी के साथ। लेकिन हमारे ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जितने भी नौजवान हैं उसके रोल मॉडल हैं अखिलेश यादव जी। उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाया है अखिलेश यादव जी ने। समाजवादी पार्टी तो आपने ज्वाइन कर ली सुनील जी, लेकिन समाजवादी पार्टी का फ्लेवर और आपकी पुरानी राजनीति का फ्लेवर मैच नहीं करता है। आपने राजनीति शुरू की हिंदू युवा वाहिनी से, कट्टर हिंदुत्व की छवि लेकर के, और अब आप जिस पार्टी में हैं वो सेकुलर ढांचे वाली पार्टी है, वो कहती है कि उसका विश्वास सेकुलरिज्म में है। तो ये जो पुरानी छवि है या जो हिंदू युवा वाहिनी का टैग है, वो सेकुलर पॉलिटिक्स के साथ कैसे मैच करा पाएंगे आप, इस पर कुछ बताइए। देखिए, नाम हमारी पार्टी का हिंदू युवा वाहिनी भारत जरूर था, तो नाम से इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं किसी वर्ग का विरोधी हो गया। मैंने पूरे प्रदेश में जहाँ भी काम किया है, देश में जहाँ भी काम किया है, चाहे सामाजिक कार्य हमने किया है, चाहे हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, चाहे विकास का कोई कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, उसमें हमने कोई छटनी नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया। हमने जहाँ एक तरफ अगर कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है, तो एक तरफ अगर हमने रामचंद्र को कंबल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ हमने जुमराती मियाँ को भी कंबल दिया है। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने हिंदू और मुसलमान के नाम पे, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने कोई आयोजित किया, चाहे हमने किसी भी प्रकार के विकास का कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें हमने धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया, वर्ग को कभी आड़े नहीं आने दिया। हम दोनों वर्ग के लिए काम किए हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग सांप्रदायिक थे, वो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो लोग झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हुए आगे बढ़े थे। हम इस देश की में वसुधैव कुटुंबकम को, जो हमारे वेद और पुराण ने हमें संदेश दिया है, हम अपने वेद और पुराण पर आगे बढ़ने का काम किए थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे के साथ आगे बढ़े थे। और आज भी जब हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हो गए हैं, तो आज भी हमारा नारा सर्वे भवन्तु सुखिनः का है। ये ब्रह्मांड वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जाना जाता है। यहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, सब लोग
आपस में भाई भाई हैं, सबका विकास होना चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। सुनील जी, लंबे समय तक आपने योगी आदित्यनाथ जी के साथ काम किया, योगी आदित्यनाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब आप उनके साथ नहीं हैं, लेकिन जो पिछले 20-22 सालों में जो योगी आदित्यनाथ के साथ आपका साथ रहा, उनकी राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा हुआ, जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आप किस तरह से समझते हैं, क्या आखिर वो शैली है, क्या वो उनकी कला है जो राजनीति में उनको यहाँ तक ले आई। मैं योगी आदित्यनाथ के साथ, जब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आए थे तो इनको भाषा का ज्ञान नहीं था, इनको चूँकि पूरब में हम रहते हैं, भोजपुरी क्षेत्र में रहते हैं, उनको भाषा का ज्ञान नहीं था, उनको भौगोलिक ज्ञान नहीं था। पहले दिन से हमने उनकी भाषा का ज्ञान का मतलब वो उत्तर उत्तरा पहाड़ से आए थे, उनको भोजपुरी का ज्ञान नहीं था, हम यहाँ के लोग क्या बोल रहे थे उनको समझ नहीं था, हम लोगों ने उनको समझाने का काम किया, उंगली पकड़ करके राजनीति का के मार्ग पे बढ़ाने का काम किया योगी आदित्यनाथ को। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे जैसे बढ़ते गए, वैसे वैसे जो लोगों ने उनके लिए अपना खून पसीना बहाया, सबको एक एक समय समय पे सबको काटते गए, सबको काटते गए। 3 साल की सरकार की बात कर रहे हैं, 3 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश ने उनके चरित्र को देखा है, तो हम तो 20 साल से उनके चरित्र को देख रहे थे, उनके अहंकार को देखा है उत्तर प्रदेश के लोगों ने, उनके घमंड को देखा है, उनके दम्मे को देखा है। क्या किसी मुख्यमंत्री से आप ऐसा अपेक्षा करते हैं क्या कि वो कहता है कि बदला लेंगे? क्या किसी मुख्यमंत्री से आप अपेक्षा करते हैं क्या कि वो कहता है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि 10 पुस्तें याद रखेंगे? क्या किसी मुख्यमंत्री से आप ऐसा अपेक्षा करते हैं क्या कि ठोंक दो? इस तरह की अपेक्षा किसी मुख्यमंत्री से करते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ के अहंकार के नाते, योगी आदित्यनाथ के दम्य के नाते और योगी आदित्यनाथ के महत्वाकांक्षा के नाते आज हम जैसा, हम अकेले नहीं, हम जैसा तमाम नौजवान जो योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक सपना देखा था। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ के साथ जो आपका अनुभव है वो तो हमने समझ लिया, लेकिन आपने जिस मौके पर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, अखिलेश यादव का साथ आपने लिया है, चुनाव तो अभी बहुत दूर है और चुनाव के बीच में बहुत सारा वक्त है, तो आप भी अपनी राजनीति को कोई दिशा जरूर देना चाहेंगे, ये तालमेल कैसे होगा, क्या होगी आपकी भविष्य की राजनीति, कैसे आप आगे बढ़ेंगे और चुनाव तक जाते जाते आपका स्टैंड क्या होगा, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए। देखिए, हमें उत्तर प्रदेश के विकास की चिंता है, हमें उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार की चिंता है, हमें उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के का जो उत्पीड़न हो रहा है, उनके बदहाल स्थिति जो है, उनकी स्थिति बेहतर हो, इसकी चिंता है। किसानों के की जो बदहाल स्थिति है, उनकी स्थिति बेहतर हो, हमें इसकी चिंता है। आज कर्मचारी परेशान है, शिक्षा मित्र 2000 से ज़्यादा शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया और इस सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। हमें उम्मीद है अखिलेश यादव जी से, हमारा टारगेट 2022 में हम इतना मेहनत करेंगे अपने नौजवानों को लेकर के कि हम उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नौजवान के हाथ में उत्तर प्रदेश की बागडोर दें जहां किसी शिक्षा मित्र को आत्मदाह ना करना पड़े, जहां किसी कर्मचारी को अपने नौकरी से बर्खास्त ना होना पड़े अपनी मांग को लेकर के, जहां व्यापारी का उत्पीड़न ना हो, जहां किसानों को आत्महत्या ना करना पड़े, हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगे युवा तरुणाई अखिलेश यादव जी को 2022 में उत्तर प्रदेश की बागडोर देने के लिए हमारा एक एक नौजवान तैयार हो चुका है। तो सुनील सिंह जी के साथ बात करने के बाद ये तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि समाजवादी पार्टी का फ्लेवर पकड़ना शुरू कर चुके हैं, ये समाजवाद को समझने लगे हैं, लेकिन अब चुनौती सबसे बड़ी ये है कि हिंदुत्व की राजनीति एक तरफ और समाजवादी विचारधारा एक तरफ, इन दोनों का ब्लेंडिंग करके, इन दोनों को मिलाने के बाद राजनीति का कौन सा स्वरूप उभरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और तब हम देखेंगे कि आखिर अखिलेश यादव का ये दांव कितना कामयाब हुआ या सुनील सिंह की राजनीति दावे जो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की जमीन तैयार करने के लिए, उसका असर कितना पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति पर, यह आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जुड़े रहिए जुबली पोस्ट के साथ, हम आपसे फिर मिलेंगे नए मुद्दे नए शख्सियत के साथ।